ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो यहां पर बड़ा ही सुंदर विवरण दिया है किस प्रकार से ये चार कुमार इन्होंने वैकुंठपुरी धाम में प्रवेश किया प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने छह द्वारों को पार किया और ये छह द्वार अत्यंत दिव्य रूप से सजे हुए थे लेकिन ये चार कुमार भगवान को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उनका ध्यान अन्य दिव्य सजावटों की तरफ नहीं गया और इस तरह छह द्वारों को पार करके सातवें द्वार तक पहुंचे सातवें द्वार पर उन्होंने देखा कि एक ही आयु के दो द्वारपाल उस द्वार पर मौजूद हैं और अत्यंत सुंदरता पूर्वक भगवान विष्णु की तरह वे सजे हुए हैं मूल्यवान आभूषणों के द्वारा कुंडलों हीरो मुकुट आदि से वे सुसज्जित हैं तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये चार जो कुमार थे संत थे सबसे महत्वपूर्ण वो भगवान को देखने के लिए उत्सुक थे वो इतने उत्सुक थे कि उनका बाकी किसी भी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं था दिव्य रूप से सजावट के बावजूद उनका आकर्षण उस तरफ नहीं गया तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण योग्यता है अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं प्रभुपा जी बताते हैं एक्चुअली भगवान जो है इस भौतिक संसार में अव्यक्त रूप से इस भौतिक संसार में मौजूद हैं क्योंकि जीव बद्ध जीव जो इस संसार में आए हैं वो भगवान से विमुख होकर के भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं तो अगर भगवान से विमुख होकर के भोगना चाहते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से इस भौतिक संसार में नहीं प्रकट रहते अप्रत्यक्ष रूप से भगवान सभी प्राणियों के हृदय में हरेक अणु के अंदर में भगवान है लेकिन कुंती महारानी जैसे कहती हैं अंतर बहिर अवस्थिता भगवान हमारे हृदय के अंदर में भी है भगवान हमारे हृदय के बाहर भी है लेकिन अलक्ष्य ते मूढ़ दृशा लेकिन फिर भी हम भगवान को ना अंदर देख सकते हैं ना बाहर देख सकते हैं क्योंकि हम लोग मूढ़ा हैं मूर्ख हैं है। भगवान अंदर भी है बाहर भी है लेकिन हमारी आंखों के सामने पर्दा लगा हुआ है सूरज अगर आसमान में है लेकिन मैं अगर अपने आप को घर की चार दीवारी में बंद कर लू तो सूरज कहां से दिखेगा मुझे चार दीवारी से बाहर आना है तब मुझे सूर्य के दर्शन होंगे इसी प्रकार इस भौतिक संसार में माया का अज्ञानता का पर्दा लगा हुआ है जिसके कारण भगवान अंदर होने के बावजूद बाहर होने के बावजूद हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं तो यहां पर यह बताया गया है कि क्या योग्यता हमें चाहिए जिसके द्वारा हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं क्या हमें संस्कृत का ज्ञान संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान वेदों की स्तुति वेदों का ज्ञान अनेकों प्रकार की तपस्याएं क्या ये सब जरूरी है जिसके द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं ज्ञाने प्रयासम उदपस्या नमंत एव इस प्रकार के प्रयास ये जानकर के कि भगवान जो है वो हमारे इंद्रियों के ग्रहण में आने वाले नहीं है वो अधूक्ष सजा है हमारे इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं तो हम इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा इंद्रियों के ज्ञान अर्जित करने के द्वारा या इन इंद्रियों के द्वारा दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना है न ज्ञान के द्वारा न तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी कहते हैं नमंत एव हमें सबसे पहले हम्बल अत्यंत विनम्र भाव से क्या करना है सनमुखरीताम भक्तों के महान भक्तों भगवान के महान भक्तों के द्वारा भगवान की गाथाओं को सुनना है भागवत में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सवई पुमसाम परो धर्मो यतोर भक्ति रथोक्षजे अहे तुकी अप्रति यत्मा इस सारी मानवता में सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या है भगवान की भक्ति को अर्जित करना और उस भगवान की भक्ति को अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वासुदेव कथा रुचि भगवान की कथाओं में रुचि इसलिए भागवतम में प्रथम स्कंद में ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन बताई गई है भागवत में नहीं कहा है कि संस्कृत का ज्ञान अत्यंत जरूरी है पांडित्य हमें बनना है ब्राह्मण हमें बनना है सन्यासी हमें रहना है यह सब जरूरी नहीं है सबसे महत्वपूर्ण जो योग्यता है भगवान के दर्शन के लिए वो है ये उत्सुकता ये आतुरता द ईगरनेस टू सी गॉड ये भागवतम में कहा है तत्श्रद्धान मुन मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त प्रभुपाद प्रभु बताते हैं इस श्लोक के ऊपर टिप्पणी करते हुए सबसे पहले क्वालिफिकेशन है तत्श्रद्धा धान मुनयो वी हैव टू बी ईगर टू सी गॉड हमें भगवान के दर्शन पाने के लिए उत्सुक रहना है आतुर रहना है अगर ये उत्सुकता हमारे हृदय के अंदर में है ज्ञान वैराग्य युक्तया, ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य उससे हम युक्त हो जाएंगे भगवान के बारे में ज्ञान भी प्राप्त होगा इस भौतिक संसार से वैराग्य भी होगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है प्रभुपाद जी एक छोटी सी कथा बताते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं भगवान के प्रति उत्सुकता कितनी महत्वपूर्ण है आज हम इस भौतिक संसार में धन पाने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के ऐशो आराम पाने के लिए अत्यंत आतुर हैं वी आर वेरी ईगर टू डेवलप कंफर्टेबल लाइफ लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में वो आतुरता नहीं है वो उत्सुकता नहीं है तो ये उत्सुकता हम किस प्रकार से अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं तो इस उपरांत में प्रभुपाद जी जो है एक बड़ी सुंदर कथा बताते हैं एक बार एक भागवत प्रवचन चल रहा था और भागवत कथाकार जो कथा कर रहे थे वो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान वृंदावन में वृंदावन के फॉरेस्ट में वहां के वनों में विचरण करते हैं और भगवान जो है अनेकों प्रकार के सुंदर मूल्यवान आभूषणों से सुसज्जित हैं जैसे यहां पर बताया गया है ना यहां पर जय और विजय जो द्वार जो वैकुंठ धाम के सातवें द्वार पर जो द्वार पालक थे उनका यहां पर वर्णन दिया गया है क्या वर्णन दिया है उन्होंने सातवें द्वार पर एक ही आयु के दो चमकीले प्राणियों को देखा जो गदाओं से लेस थे अत्यंत मूल्यवान आभूषणों कुंडलों हीरों, मुकुटों वस्त्रों आदि से अलंकृत थे तो इसी प्रकार वो भगवान का वर्णन कर रहे थे कि भगवान जो है किस प्रकार से इतने मूल्यवान आभूषणों से सुसज्जित हैं तो ये सुनकर के एक इस सभा के अंदर में एक चोर था थीफ वो बड़ा प्रसन्न हो गया वो सोचने लगा कि अब तक मैं इतनी सारी चोरियां करता हूं सामान चुराता हूं लेकिन इस प्रकार के बहुमूल्य आभूषण मैंने आज तक नहीं देखे छोटी छोटी चोरियां करता हूं अगर ये व्यक्ति मुझे मिल गया और ये सारे आभूषण अगर मैं ग्रहण कर लूं तो मेरा तो जीवन संपन्न हो जाएगा तो ऐसा सोच करके वो प्रवचन के बाद में भागवत कथाकार से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने कथा में बताया कि एक कृष्ण है एक बालक है कृष्ण ये अनेकों प्रकार के आभूषणों से बड़ा सुसज्जित है ये बालक भला मुझे कहां मिलेगा कृपा करके मुझे बताओ मैं इससे मिलना चाहता हूं तो कथाकार ने कहा कि ये बालक तुम्हें वृंदावन में मिलेगा तो ऐसा सुनकर के ये चोर जो है अत्यंत उत्सुक अत्यंत आतुर हो उठा ही बिकेम वेरी एंथुजियास्टिक एंड ही वॉज वेरी ईगर टू मीट दिस बॉय कृष्णा और एक्चुअली बताया जाता है इस आतुरता के कारण इस उत्सुकता के कारण ये चोर वृंदावन में साक्षात भगवान के दर्शन कर पाया और जिस रूप में उस भागवत कथाकार ने बताया था उसी प्रकार भगवान जो है अत्यंत मूल्यवान आभूषणों से सुसज्जित थे तो उसका कार्य तो मेन इंटेंशन उसका प्रयोजन भगवान से मिलने का नहीं था भगवान से मिलकर के ये सारे आभूषण लूटने का था तो भगवान के दर्शन करने के बाद में भगवान की इस प्रकार से एसोसिएशन में भगवान के संग में उसको ये ध्यान नहीं था कि धीरे धीरे उसकी गंदी वृत्तियां उसके अंदर में जो अनर्थ थे वो सब बाहर जा रहे थे उनकी सबकी निवृत्ति हो रही थी तो उसने कृष्ण भगवान से कहा कि हे बालक तुम्हारे पास में जो ये अत्यंत मूल्यवान आभूषण है मैं चाहता हूं कि तुम ये सारे मुझे समर्पित कर दो ये सब मुझे दे दो तो भगवान भी जो है धीरे धीरे अपना संग उसे देना चाहते थे उसको भगवान भगवान ने जो है बातों में लगाया और भगवान ने कहा नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे मेरी मां बहुत गुस्सा करेगी ये सारे मेरी माँ ने जो है मुझे सुसज्जित किया है यशोदा माँ बहुत गुस्सा होगी तो इस प्रकार से बातें करते करते ये चोर जो है उसका मन बिल्कुल स्वच्छ हो गया और वो भगवान का एक महान भक्त बना तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस सरल कथा से इस छोटी सी कथा से ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ हम सीख सकते हैं ये चोर के पास में कोई दूसरी योग्यता नहीं थी अपितु ये चोर जो है इसका प्रयोजन कोई दूसरा था इसका इंटेंशन अलग था उसकी एकमात्र जो योग्यता थी वो भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक और आतुर था इस एकमात्र योग्यता के द्वारा साक्षात वृंदावन में इस चोर को भगवान के दर्शन हुए तो जरा सोचिए अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं हम तो चोर नहीं है अगर निष्ठा के साथ में हम अपने जीवन के अंदर में ये आतुरता ये उत्सुकता अगर जागृत कर लेते हैं तो हमें और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए रूप गोस्वामी एक बड़े ही सुंदर श्लोक में इसका वर्णन करते हैं वो कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृष्ण भक्ति से लिप्त जो हमारी कॉन्शियसनेस है चेतना है कृष्ण भक्ति रसा भगवान की भक्ति में बहुत रस है मेलोज है भगवान की भक्ति कोई शुष्क नहीं है ड्राई नहीं है कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं पहले मैं इस संसार के रसों को भोग लू बाद में भगवान की भक्ति की तरफ जाऊंगा एक्चुअली हमें ज्ञान नहीं है कि इस भौतिक संसार में कुछ रस नहीं है प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार जब एक व्यक्ति से पूछा गया कि एक व्यक्ति जो है उसको ज्ञान नहीं था शुगर केन गन्ना वो कैसा होता है उसका रस कैसा होता है उसका स्वाद उसका टेस्ट कैसा होता है तो एक व्यक्ति जिसने गन्ना खाया था साक्षात जिसने उसके टेस्ट को चखा था जिसने उसके स्वाद को चखा था उसने उसका वर्णन किया कि गन्ना जो है एक घास की तरह लंबा होता है इट इज लाइक अ लॉन्ग ग्रास इस प्रकार से उसका विवरण दे रहा था यह मूर्ख व्यक्ति इसकी समझ में नहीं आया वो क्या करने लगा सभी प्रकार की घासों को जाकर के चबाने लगा तो भला घास को चबाने से उसको कहां से गन्ने का रस मिलेगा इसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में जड़ पदार्थों के अंदर में रस खोज रहे हैं रस को ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे वो व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार की घासों को चबा रहा है और सोच रहा है कि इसमें से मुझे गन्ने का रस मिलेगा इन भौतिक संसार में इन भौतिक रिलेशनशिप संबंधों में वो रस नहीं है ये हमें समझना है इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं भगवान की कृष्ण भक्ति में रस है जो असल रस है वो भगवान की भक्ति में है इसलिए भगवान की भक्ति के रस को क्या बताया जाता है भक्ति रसा अमृता ये जो रस है यह सनातन है इटरनल है बाकी जो रस हम लोग इस संसार में भोग रहे हैं वो इटरनल नहीं है आदि अंतवंत कौनते या नेशु रमते बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस प्रकार के रसों में आनंद नहीं लेते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है इस प्रकार के रसों में जो रस जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत हो जाता है वो भौतिक रस है भगवान का भक्ति रस क्या है भक्ति रस अमृता भगवान का भक्ति रस जो है सनातन है अमृत है जिसका अंत नहीं होता है तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं इस प्रकार की मती जिसमें हम भगवान की भक्ति रस को चख रहे हैं उसका स्वाद ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं कृष्णा भक्ति रस भाविता मती उस मेलोस को जब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं उस प्रकार की भक्ति रस में जब हम लोग डूबे हुए हैं उस प्रकार की मती उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं ये जो शब्द है कृष्णा भावनामृत कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी कहते हैं उन्होंने इस श्लोक से लिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस और कृष्णा भक्ति रस भाविता मति, उसमें कोई अंतर नहीं है तो वो कहते हैं ये इतनी मूल्यवान है ये इतनी महत्वपूर्ण है कृष्णा भावनामृत कृष्णा भक्ति रस भाविता मती वो कहते हैं क्रियताम यदि कुतो अपी अगर तुम्हें कहीं पर भी मिल जाए कोई बेच रहा है इफ समबडी सेलिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्लीज डू नॉट डिले देर मत करो तुरंत जाकर के उसे खरीद लो जिस प्रकार से हम लोग बड़े आतुर हैं मटेरियल कंफर्ट्स के पीछे तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग जाते हैं सर्च करते हैं और बाद में अपने सारे ऐशो आराम के सभी सामानों को खरीद लेते हैं ताकि हम उसे भोग सकें इसी प्रकार से रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये कृष्ण भावनामृत मती जो है इतनी महत्वपूर्ण है अगर कहीं पर तुम्हें मिल जाए कोई बेच रहा है तुरंत जाकर के खरीद लो क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तुरंत उसे जो है प्राप्त कर लो लेकिन तुम्हें उसे प्राप्त करने के लिए एक मूल्य देना पड़ेगा कुछ भी अगर तुम्हें खरीदना है तो कुछ ना कुछ तो मूल्य देना पड़ेगा फ्री में थोड़ी मिलेगी कुछ उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा क्या मूल्य है वो रूप गोस्वामी बताते हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम एकमात्र एकलम मूल्य एक ही मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा आपको संस्कृत स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं बड़े पंडित बनने की जरूरत नहीं ये कुछ जरूरत नहीं है यही प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं उस चोर के अंदर में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी अपितु वो एक्चुअली भगवान से कुछ चुराना चाहता था उसका मन शुद्ध नहीं था अशुद्ध था अशुद्ध मति होने के बावजूद भी ये एकमात्र उसके अंदर में जो योग्यता थी योग्यता थी उस योग्यता के कारण मात्र भगवान के दर्शन उसको मिले वो क्या योग्यता थी तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम भगवान को प्राप्त करने की भगवान के दर्शन करने की उत्सुकता आतुरता इंटेंस डिजायर यह बड़ी महत्वपूर्ण है आज हमारी इंटेंस डिजायर संसार भोगने की है तो जब तक हम लोग संसार से इंटेंस डिजायर निकाल करके भगवान के दर्शन के लिए इंटेंस डिजायर नहीं रखेंगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे सिंपल है तो हमें क्या करना है मतलब ये आतुरता बढ़ानी है आज हमारी आतुरता उत्सुकता भौतिक संसार में जुड़ी हुई है इस भौतिक संसार में बंधित है भौतिक संसार की तरफ हम लोग जो है आकर्षित है बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी बताते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ मैडनेस दो प्रकार का पागलपन है एक जो व्यक्ति भौतिक संसार के प्रति पागल है और दूसरा महामग्न चित्ता जो भगवान के प्रति पागल है एक गोपी एक दूसरी गोपी से कहती है अगर तुम इस भौतिक संसार के पीछे पागल हो अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे यह भौतिक संसार भोगना है तो यमुना तट पर कालिंदी नदी के पास में कदम्ब पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण के दर्शन करने मत जाओ क्योंकि अगर तुम भगवान के दर्शन कर लोगे तो यह भौतिक पागलपन तुम्हारा दूर हो जाएगा यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय एनी मोर दिस मटीरियल वर्ल्ड यह भौतिक संसार से तुम्हारी आसक्ति चली जाएगी मतलब क्या है हमें एक पागलपन छोड़ना पड़ेगा नाउ वी आर मैड आफ्टर सेंस इंजॉयमेंट वी हैव टू बिकम मैड आफ्टर कृष्णा जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत आतुर हो जाते हैं तब जाकर के जो है इस भौतिक संसार का पागलपन हम लोग छोड़ करके साक्षात भगवान के दर्शन कर सकेंगे ये जो है प्रभुपाद जी बताते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है तो ये आतुरता हम कैसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आज आज हमारी आतुरता जो है इस भौतिक संसार में लगी हुई है तो हम लोग सोचेंगे इस भौतिक संसार से आतुरता निकालनी है भगवान की तरफ उत्सुक बनना है तो वो कहां से इंटेंस डिजायर कहां से आएगी तो उसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का संग वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज ऑफ कृष्णा हु आर वेरी ईगर फॉर कृष्णा जो भगवान के प्रति अत्यंत आतुर भक्त हैं अत्यंत उत्सुक भक्त हैं ऐसे भक्तों का संग करने से हमारे अंदर में भी ये आतुरता आ जाएगी तब हम लोग सोचेंगे ये क्या चमत्कार है क्या मैंने किसी को हाथ लगा दिया जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं ना कई बार हम लोगों ने सुना होगा एक स्वामी था उसके अंदर में गॉड कॉन्शियसनेस थी और उसने जो है अपने डिसाइपल को हाथ लगाया और हाथ लगा करके कहा कि और बाद में जो है जब उसने हाथ लगाया जोर जोर से रोने लगा तो डिसाइपल ने पूछा क्या हुआ आप क्यों रो रहे हैं इस प्रकार से नहीं मेरे अंदर में जो भी गॉड कॉन्शियसनेस थी सब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गई तो हम लोग सोचते होंगे कि भाई इस प्रकार से होगा कुछ भक्तों का संग संग में आया तो कुछ चमत्कार हो जाएगा किसी ने कोई भक्त मुझे हाथ लगाएगा और मेरे अंदर में वो उत्सुकता जागृत हो जाएगी नहीं ये उत्सुकता जागृत करना एक्चुअली चमत्कार है लेकिन अत्यंत साइंटिफिक है इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक प्रोसेस ये विज्ञान है गीता में भगवान कहते हैं ये जो कृष्णा भावनामृत है ये जो भगवान की भक्ति है ये ज्ञान विज्ञान सहितम इसमें ज्ञान भी है और इसमें विज्ञान भी है तो ये प्रोसेस कैसे होता है इसको रूप गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं वो कहते हैं सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे मन के अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए वी शुड हैव फेथ बिकॉज विदाउट फेथ नथिंग इज पॉसिबल बिना श्रद्धा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है लेकिन श्रद्धा हमारी हो सकती है अत्यंत कोमल क्यों ना हो इस श्रद्धा को हम गूढ़ कर सकते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले आदौ श्रद्धा भगवान के प्रति श्रद्धा आध्यात्मिक प्रोसेस के प्रति श्रद्धा भौतिक संसार से अनासक्ति ये सबसे पहली क्वालिफिकेशन है जो लोग मनुष्य जीवन को जानवर की तरह बिताना चाहते हैं उनको भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे जब हम मनुष्य जीवन में यह समझेंगे अथा तो ब्राह्मण जिज्ञासा ये मानव जीवन भगवान की जिज्ञासा के लिए बना है वो श्रद्धा है वो श्रद्धा की शुरुआत है जब हम ये समझ जाते हैं मनुष्य जीवन अत्यंत श्रेष्ठ है ये भगवान को समझने के लिए बना है यह हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है बाद में इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए आदव श्रद्धा तथा साधु संघा तो जब हम श्रद्धा को अगर बढ़ाना चाहते हैं इस भौतिक संसार में भी हम लोग देखते हैं किसी चीज की प्राप्ति के लिए मान लीजिए हम बिजनेस अच्छे प्रकार से करना चाहते हैं वी वॉन्ट टू डू गुड बिजनेस अगर हम अच्छे से बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो कैसे भी चला सकते हैं काम वो दूसरी बात है बट इफ यू वॉन्ट टू डू गुड बिजनेस देन यू नीड एसोसिएशन ऑफ बिजनेस माइंडेड पीपल यू नीड एसोसिएशन इसलिए हम लोग देखते हैं आज अगर बिजनेस इस भौतिक संसार में इतना बढ़ा चढ़ा है वो क्यों संभव है क्योंकि अनेकों प्रकार की बिजनेस एसोसिएशन है उनका संघ है सेंसेक्स है निफ्टी है फिर शेयर होल्डर्स का संघ है अनेकों प्रकार के बिजनेस की एसोसिएशन है करेक्ट इसी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं अच्छे प्रकार से अगर हम लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं अगर हम लोग सही प्रकार से नहीं करना चाहते तो कैसे ना कैसे करके भक्ति कर लेंगे लेकिन अगर बढ़िया प्रकार से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं सही प्रकार से भगवान के भक्तों का संग अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है वेदों में बताया है साधु संग साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो सभी शास्त्रों में कहा सर्व शास्त्र हो हर एक शास्त्र में बताया है कि भगवान के साधु संग इतना महत्वपूर्ण है कि लव मात्र थोड़ा भी अगर हम लोग भगवान के भक्तों के संग में आ जाते हैं तो सारे हमारे मानव जीवन की सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है तो साधु संघ अत्यंत महत्वपूर्ण है साधु संघ का मतलब क्या है भक्तों के द्वारा जो भक्त लोग संघ में कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस कर रहे हैं जब हम उनका संग करेंगे तो हम भी कृष्ण भावना मृत से प्रेरित हो सकेंगे ये उत्साह हमारे अंदर भी जागृत होगा इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे रूप गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि ये उत्सुकता क्या है कहीं पर भी मिल जाएगी अरे मैं भौतिक संसार के प्रति बहुत उत्सुक हूं और अब मैं क्या करूंगा उसी उत्सुकता को भगवान के प्रति लगा दूंगा क्या है उत्सुकता तो है मेरे पास लेकिन भौतिक संसार के प्रति है अब उसी उत्सुकता को मैं भगवान के प्रति लगा दूंगा हम लोग ऐसा सोचेंगे नहीं आगे बता रहे हैं जन्म कोटि सुक्रते ना लभ्यते ये उत्सुकता करोड़ों जन्मों की सुकृति के बाद भी नहीं मिलती है ये जीवन तो छोड़ दो करोड़ों जीवन में बहुत सारे सुकृति के कार्य किए हैं तब भी इस प्रकार की उत्सुकता प्राप्त नहीं होती है लेकिन भगवान के भक्तों के संग में बड़ी आसानी से ही उत्सुकता हमें प्राप्त हो सकती है जरा सोचिए कितना महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का संग और फिर भी हम लोग सोचते हैं बेटर बाहर जब मैं था बढ़िया जीवन चल रहा था ये क्या रोज सवेरे सवेरे उठना डिवोटीज लोग आकर के उठा देते हरे कृष्णा उठो भाई मंगल आरती का समय हो गया है ना बाहर आराम से था सात आठ बजे नौ बजे तक आराम से नींद मारता था तो ये उत्सुकता इतनी जल्दी नहीं मिलती है भगवान के भक्तों का संग करने पर यह उत्सुकता जागृत होती है कैसे होती है वो आगे भी बताए हैं ये कोई चमत्कार का प्रोसेस नहीं है बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है आधा श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया भक्तों के संग में हम क्या करेंगे भक्तों के संग में हम भगवान की कथा सुनेंगे भगवान के बारे में वर्णन करेंगे भगवान के नाम का जप करेंगे मंगल आरती अटेंड करेंगे ये सारे कार्यक्रम ये विधि भक्ति जब हम लोग करेंगे भगवान का भजन करेंगे भजन क्रिया इसको बोलते हैं जब हम लोग करेंगे उससे क्या होगा अनर्थ निवृत्ति सिया <clears throat> जो भी हमारे मन के अंदर में दूषण है गंदगियां हैं वो सब बाहर हो जाएंगी जब मन के अंदर से गंदगियां बाहर होंगी तो क्या होगा निष्ठा भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति में निष्ठा है वो जागृत हो जाती है वो अनकवर हो जाती है वो है ऑलरेडी हमारे मन में निष्ठा है भगवान के प्रति अब कवर हो चुकी है जब माया का पर्दा चला गया वो निष्ठा ऑटोमेटिकली उदित हो जाती है जब बादल चले जाते हैं सूरज आकाश में नजर आ जाता है ऑटोमेटिक है बादल से ढक गया है बस इतना है सूरज ऑलरेडी है आकाश में भगवान के प्रति सभी जीवों में निष्ठा है अभी माया के पर्दे के द्वारा गंदगी के द्वारा कवर हो चुकी है तो जब हम भगवान के भक्तों का संग करके भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा ये गंदगियां बाहर जाएंगी और भगवान के प्रति निष्ठा जागृत होगी निष्ठा के बाद में क्या होगा तथा शक्ति रुचि तथा तब अटैचमेंट आ जाएगी अटैचमेंट <coughs> का मतलब क्या है प्रभु जी बताते हैं जिस प्रकार से एक शराबी ड्रंकर्ड, उसको ड्रिंकिंग के प्रति बहुत अटैचमेंट है बिना ड्रिंकिंग के उसका काम नहीं चलता है विदाउट फेल डेली जाकर के एक पैग लगाना है इसी प्रकार से जब हमारी आसक्ति आ जाएगी भगवान के प्रति तब विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस वी विल अंडरस्टैंड लाइफ इज हेलिश हमारा जीवन नरकीय है बिना कृष्णा भावना मृत के मतलब वी हैव डेवलप्ड अटैचमेंट बाद में रुचि बाद में भावा तो ये उत्सुकता जागृत हुई ना कैसे जागृत हुई भगवान के भक्तों के संग में भजन क्रिया करने से निवृत्ति हुई अटैचमेंट बढ़ी और भगवान के प्रति रुचि बढ़ गई तो जब हमारी रुचि बढ़ेगी तब ऑटोमेटिकली उत्सुकता ईगरनेस सब बढ़ जाता है और ये प्राप्त करने से साक्षात भगवान के हम दर्शन कर सकेंगे जैसे हम यहां पर देख रहे हैं तो इसके साथ ही यहाँ पर समाप्त करेंगे ग्रंथरा भागवतम की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय